आपने तरफ पर्ची बता दीजिए पूरा। मेरा नाम रीना है। कहाँ के रहने वाली हैं? नगरी के रहने वाले। थाना सकुरा है। हाँ, जिला कौन सा है आपका? क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पाए? जिला कर मिट्टी का घर ढह जा रहा है तो उसको बनाना नहीं देता है। मुना राजकुमार गिरी। क्यों नहीं बनाते हैं? जयनाथ गिरी वो बनाने नहीं देते हैं, नहीं नाली निकालने देते हैं, नहीं सड़क निकालने देते हैं, सब चीज़ पर आरोप लगा देते हैं। आज़ादी हुए 50 साल 70 वर्ष। आपने यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, उनका कहा कहे थे कि एक इसको निवारण दिया जाएगा। आप नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाने बढ़ाएंगे हम लोग, धरना देंगे बढ़ाएंगे। तरफ पर्ची बताइए। मैं कमलेश कुमार खरवार, जिलाधिकारी कार्यालय पर क्यों आए आप? जी, हमारे समाज के लोग नगरी गांव में सदियों से बसे हुए हैं, वहां पे कुछ गिरी समाज के लोग जबरदस्ती उत्पीड़न कर रहे हैं, शौचालय बनने नहीं दे रहे हैं। जब मिट्टी का घर गिर जाने के बाद नया घर बनाने की कोशिश करते हैं वो नहीं बनने दे रहे हैं और लगातार इन लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं। कौन कह रहा था? मांगा राजकुमार गिरी ने मांगा है। तो कहाँ कराने, वहीं पर रहने वाले हैं? काम कर रहा है। शिकायत आपने किसी की? जी, तहसील ने शिकायत की जिलाधिकारी महोदय को। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और इस की कार्रवाई से आप लोगों को संतुष्ट कराया जाएगा। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? अगर नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे भी बात नहीं बनती है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आत्मदाह तक पहुँचेंगे। पर्चे बता दीजिए। मैं रामविलास यादव। पूरा पर्चे बताइए वाला हूँ। हाँ, यहाँ आप जिलाधिकारी कार्यालय पर नाराबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? यहाँ बहुत पहले से ही आवेदन डाला जा चुका है। कितने बार के हैं? नगरी गांव में मठ की जमीन है जो बाप दादे के जमाना से पूर्वजों ने कब्जा दाखिल चले आ रहे हैं, तो आज तक उनको कोई महंत नहीं बोला, लेकिन आज एक गिरी कमकर से गिरी बनकर फर्जी चौकीदार बता रहा है, जिसको कोई नहीं जानता है, कोई समिति का बैठक भी नहीं हुआ था, और वो फर्जी एक दस्तावेज लिखवा लिया है मुक्तरनामे का, और सारे गांव के लोगों को गलत उपयोग कर रहा है, और 50,000-1,00,000 मांग रहा है। कह रहा है कि मठ बनाएंगे, मठ आज खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है, अपना बिल्डिंग बना रहे, अपने बेटी बहन का शादी कर रहा है। जमीन भी लिया है। आपने शिकायत, हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग के गांव के लोग, किसको किए हैं आप? जिला अधिकारी को। और किसको? समाधान दिवस पे। क्या बोले हो? वो बोले हैं कि इसका जल्द निवारण होगा, इनको 151 में जेल दिया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम धारणा करेंगे। नगरी से जो उस गांव की जमीन पर काबिज है 50 साल से, 3 पुश्त से इन लोगों का उस जमीन पर कब्जा है। भले ही वहां महल नहीं बना है गिरी जी की तरह, लेकिन जितना सामर्थ्य है, कोई झोपड़ी लगा के है, कोई टीला लगा करके है, कोई ईटा की दीवार खड़ा करके है, किसी का छत पड़ गया है, किसी का खपड़ा है, लेकिन जिस आदमी का घर गिर जाता है, पलानी अगर गिर गई, नई पलानी बनानी है, तो राजकुमार गिरी जी कहते हैं कि यह जमीन हमारी है, अगर इस पर पलानी फिर लगाना है तो हमको पैसा दीजिए तो लगाने देंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इन लोगों का ना तो ये भी किसी को 50,000-1,00,000 रुपये दिया है, बता रहे हैं आपको। इन लोगों की तरफ से एक गलती हो गई कि इन लोगों ने उसके मुंह खून लगा दिया है। पहले हम लोग इसकी जानकारी अगर ले दिए रहते तो अब तक उसको हम जेल में भिजवाए रहते। जिस जमीन पर उसका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उस जमीन पर निर्माण करने के लिए किस हैसियत से वो 50,000 रुपया कम से कम 2 दर्जन लोगों से लिया है। लोग अब एक कोई भी एक आदमी नहीं जिसकी हैसियत 50,000 देने की हो, अपने रिश्तेदारी से, अपने नातेदारी से कर्जा लेकर के लोगों ने, चूंकि अब सबको बसेरा रैन बसेरा चाहिए, रहने की जगह चाहिए। मोदी जी तो भाषण देते हैं कि 22 तक सबके पास घर हो जाएगा, और जिसका घर है उसी का मोदी जी के यहाँ के सीएम और तहसीलदार दरोगा उजड़वा रहा है, और नहीं तो यहाँ का दरोगा तहसीलदार गया तो इन लोगों से कहा कि 10-5 हज़ार में काम हो जा रहा है तो क्यों नहीं करा लेना है। जब रिश्वत देने के लिए तहसीलदारे कह रहा है, दरोगा कह रहा है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बना कर रखा है, हम लोगों की मांग है कि तत्काल राजकुमार गिरी जी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनको जेल भेजवाया जाए, और जिन लोगों को नाजायज तरीके से पैसा लिया है उस पैसे को भी वापस कराया जाए।